तेरे में शर्म आ रही है, पर प्लीज माफ कर दे। भले आप हमें माफ ना करो, पर कड़ी से कड़ी सजा दे दो, लेकिन अपने से दूर मत करना और अपने दिल से निकालना मत भैया। एक और बात कही ना तो ये घर पे दूंगा। दोनों ना मेरी कमजोरी भी हो और मेरी सबसे बड़ी ताकत। खुद से गुस्सा रह सकता, खुद से नफरत कर सकता हूं, लेकिन तुम दोनों से करती, चाहे छोटों से हो या बड़ों से, गलती करने वाले को माफी मांगनी चाहिए। और मैंने गलती नहीं, मैंने पाप किया है बिल्लू, अपने बिल्लू में शक किया। राम जैसे बेटे को रावण समझा। मुझे माफ कर दे पुत्र। मेरे दो बेटे पहले मर गए, आज तू भी मेरे लिए मर गई। चलो कम से कम इसकी वजह से इतनी बड़ी सच्चाई तो सबके सामने आई ना, वरना ओम और रुद्र पूरी जिंदगी शिवाय को ही दोषी समझते रहते। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है मामू जी, ये लोग मिले हैं आज सिर्फ टूटने के लिए। नहीं बुआ, हम टूट कर फिर मिले, जो एक बार टूट कर जुड़ते हैं वो फिर कभी नहीं टूटते। एक मिनट, आप हमारी बुआ है इसलिए आपका लिहाज रखा, अभी तक पुलिस नहीं बुलाई, लेकिन आज के बाद अपनी शक्ल मत दिखाइएगा यहां पे। सॉरी आने का पूछा, हमें भी कर मुझे जो साइन चाहिए था वो मुझे मिल गया। आप इंतजार नहीं, शादी करनी है। हमें भी अब और इंतजार नहीं करना है, तुम दोनों की शादी कल ही होगी।